तो गैस आप में से बहुत लोग जो है लोन के बारे में तो जानते होंगे, और थंबनेल में आपने देखा है कि आज का जो ये काम है वो स्पेशली इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। अब देखो यार, लोन की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको किसी को लोन बेचना है, वो काम यहाँ पर नहीं है। आपका तो काम यहाँ पर जो लोन एप्लीकेशंस आती हैं, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो बेसिकली वो लोन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर जो आपका काम होने वाला है वो उस कंपनी के जो भी बोरोवर्स है, यानी कि जो जिनको लोन चाहिए, मान लीजिए मुझे एक लोन चाहिए और मैं एक उस कंपनी में मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे जमा कर दिए कि मुझे जो है इतने रुपए का लोन चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स तो जमा हो गए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स सही हैं या गलत हैं ये चेक करने के लिए यहाँ पर कंपनी आप लोगों को हायर कर रही है। सिंपल सा है, आप जो है उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। मेनली जो आपका काम है वहाँ ये है कि आपको ये चेक करना है कि कहीं वो सामने वाला जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है फ्रॉड तो नहीं है। ये काम आपका है। ये काम आप कैसे चेक करोगे? मान लीजिए उसने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे? मान लीजिए उसने आधार कार्ड दिया हुआ है, तो आधार कार्ड में जो नंबर होता है आप वो वेबसाइट पर डालेंगे, चेक करेंगे कि सेम वेबसाइट आधार कार्ड पर जो नंबर है, जो नाम है, वो क्या उसी शख्स का है जिसने यहाँ पर लोन जमा करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वेरीफाई है, अप्रूव्ड है। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को अप्रूव्ड कर दोगे। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसे आगे कंपनी को हाईलाइट करोगे। आप बताओगे कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। आप इसको एस्केलेट कर लोगे कंपनी को, फिर कंपनी का काम है आगे देखने का। बस मेनली जो आपका यहाँ पर काम होने वाला है वो सिर्फ आपका चेक करना है लोन की एप्लीकेशंस को। तो देखो यार, काम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा असरदार है, और ऐसा ही तो काम आप ढूंढ रहे हो जहाँ पे कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पे कोई ऐसा डिग्री वाला काम ना हो कि उसके लिए भाई पहले हमारे पास कोई डिग्री हो तभी हम उस काम को कर सकते हैं। तो ये काम तो यार देखो हर कोई कर सकता है, और मेरा भी काम यहाँ पर यही है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम लेके आऊँ जो ईजी हों और अच्छी खासी सैलरी भी आपको देते हों। अब मैं बात कर लेता हूँ सैलरी की। अब यहाँ पर देखो सैलरी की बात कंपनी की तरफ से नहीं कही गई है कि कितना आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर आपको 1000 पर डे के हिसाब से मंथ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 25 से लेके 35,000 रुपये के बीच में आपको यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। तो मैंने एवरेज लेके चला हूँ कि 1000 रुपये आपको हर दिन यहाँ पर ईजिली मिल सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पर अप्लाई करने में, क्योंकि आप में से बहुत लोगों की यही हमेशा डिमांड होती है कि सर हमारे पास तो फ़ोन है तो क्या हम ये काम फ़ोन से कर सकते हैं? देखो भाई, पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये सारा काम आप फ़ोन से नहीं कर सकते। वेट करो, जाना मत। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास फ़ोन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ इस कंपनी की सबसे जो खास बात है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से फ्री लैपटॉप मिलेगा और साथ में हेडसेट भी मिलेगा। जी हाँ, कंपनी यहाँ पर आपको अपनी तरफ से लैपटॉप और हेडसेट देगी जब तक आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, कंपनी के लिए काम कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास अगर पीसी लैपटॉप नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यार और क्या चाहिए? साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देगी आपका प्राइवेट, और उसके साथ साथ अगर आपका जो इंटरनेट का जो भी खर्चा होगा वो कंपनी देगी। अब क्योंकि ये सारा काम वर्क फ्रॉम होम है तो आपको घर बैठे बैठे करना है, सारी चीज़ें कंपनी दे रही है, बस आपको तो सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करना है कंप्यूटर के अंदर। अब ये सारा काम आपको कैसे करना है, मेनली यहाँ पर जो आपको समझना पड़ेगा वो है एप्लीकेशन का मेथड कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं, वीडियो को नहीं देखते हैं, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पर क्लिक कर सोचेंगे कि अप्लाई कर दें, फिर आप वहाँ पर वो गलतियाँ कर देंगे जो आपको नहीं करनी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस पूरे फॉर्म को भरना है, एक एक चीज़ मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, आप कहीं गड़बड़ी ना करें। अब बिना टाइम को वेस्ट के सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आपको लेकर चलूँगा। उससे पहले यार, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो, इससे जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। साथ ही साथ देखो 2023 निकल गया, 2024 भी शुरू हो गया है, 3 महीने निकल गए हैं, अभी तक इनकम नहीं हुई ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार? मैं हूँ ना, आपकी इनकम मैं करवा के रहूँगा, बस आपको निराश नहीं होना है, आपको गिवअप नहीं करना, आपको लगातार कोशिश करते रहनी है। और क्योंकि जब आप कोशिश करते हो तो यार देखो सफलता तो ज़रूर मिलेगी, किसी को जल्दी मिलेगी, किसी को देर में मिलेगी, लेकिन मिलेगी उसी को जो लगातार कोशिश करेगा। तो कोशिश करते रहना है। अब क्योंकि जब आप इस चैनल पे आते हो तो इसी उम्मीद से आते हो कि अर्निंग हो जाए, और मैं भी चाहता हूँ कि जब आप वीडियो को देख रहे हो तो खाली हाथ ना जाओ, इसलिए मैं अपने चैनल पे डेली गिव अवे करता हूँ जहाँ पे आप घर बैठे बैठे 100 रुपये का कैश जीत सकते हो। अब आपको करना क्या है इसके लिए, बहुत सिंपल सा है। वीडियो जब एंड हो जाएगी, वीडियो एंड होने के बाद आपको कमेंट करके गैस करना है कि इस वीडियो पर नेक्स्ट 24 घंटे में
कितने व्यूज़ आएंगे, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर कितने व्यूज़ आ सकते हैं वो आपको बताना है, और ये बताना है वीडियो पब्लिश होने के 2 घंटे के अंदर अंदर। तो जिसका भी सबसे नियर बाय काउंटिंग होगी वो हमारा यहाँ पे लकी विनर हो जाएगा, उसको हमारे तरफ 100 रुपये कैश मिल जाएगा। और ये सारी जानकारी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे होती है, तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब बिना टाइम को वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, समझते हैं पूरा प्रोसीजर। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए, आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, और जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो देखो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पे आपको काम बताता हूँ जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। अभी आप यहाँ पे देखिए लोन ऑपरेशंस, यानी कि जो लोन होते हैं उनके ऑपरेशंस, यहाँ पे एक तरह का लोन का काम है। और आपका काम क्या है यहाँ पर, आप यहाँ पे देखिए रिव्यू लोन एप्लीकेशन फॉर बोरोवर्स अप्लाइंग फॉर ब्रांच लोन, यानी कि जो भी बोरोवर्स होते हैं जिनको खरीदना होता है यानी लोन लेना होता है वो ब्रांच से अप्लाई करते हैं। तो आपका काम क्या है यहाँ पर, आपका काम है वेरीफाई डिटेल्स एंड प्रिवेंट फ्रॉड, यानी कि जो आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है कि उनकी आप जो डिटेल्स है वो आप चेक करेंगे कि जो लोन ले रहा है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी आईडी प्रूफ है वो आप चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे कि कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं है। अब यही आपका यहाँ पर मेन काम होने वाला है जिसके के लिए कंपनी आपको यहाँ पर हायर कर रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो क्या है, एस्केलेटिंग कस्टमर्स फीडबैक, यानी कि जो कस्टमर का फीडबैक होगा वो आप एस्केलेट करेंगे यानी कि बताएंगे, एंड टेक्निकल अगर कोई बग्स होगा तो उसको इम्प्रूव करने में प्रोडक्ट की आप हेल्प करेंगे। तो ये सारा काम यहाँ पर आपका होने वाला है। और देखो यार, काम मैंने जैसे बताया कि बहुत बेस्ट होने वाला है, क्योंकि अगर मैं इसकी ज्वाइनिंग के बेनिफिट्स आपको बता दूँ तो यहाँ पर देखिए मिशन क्या है, ड्रिवन एंड फास्ट पेस्ड एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। आपकी जो सैलरी होगी यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, और जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया कि लगभग 1000 है। अगर मैं इसको मंथली कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो आपकी सैलरी 25000 से लेकर 35000 के बीच में आपकी होगी। तो अगर मैं पर डे के हिसाब से यहाँ पर जो एवरेज लेके चल रहा हूँ वो 1000 लेके चल रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपको कोलोबरेटिव एंड फ्लैट कंपनी कल्चर यहाँ पे आपको मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा प्राइवेट, तो अगर कंपनी के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। वर्क फ्रॉम होम का यहाँ पे रिफ्रेशमेंट स्टिम्ड आपको मिलेंगे, यानी कि जो वर्क फ्रॉम होम में आप काम कर रहे हो तो उसका जो भी यहाँ पे रिफ्रेशमेंट होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। लैपटॉप एंड हैंडसेट प्रोवाइड बाय द कंपनी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितने दिन आप यहाँ पर काम करोगे आपको लैपटॉप और हैंडसेट जो है कंपनी देगी, जो कि मैंने आपने देखा होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था कि यहाँ पर आपको लैपटॉप हैंडसेट कंपनी आपको देगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वीकली टीम मील्स एंड सोशल इवेंट्स यहाँ पे होंगे, वर्चुअल है ये सारा कुछ, यानी कि आपको टीम मील्स मिलेंगी, सोशल इवेंट्स होंगे, वर्चुअल होगा क्योंकि अभी तो देखिए वर्क फ्रॉम होम है तो सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होंगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो देखिए ब्रांच इंटरनेशनल, और ये कंपनी की तरफ से जॉब निकली हुई है जो कि लोन रिव्यू एसोसिएट्स आप बनोगे, यानी कि लोन जो भी होगा उसको रिव्यू आप करोगे, और ये 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अभी जो ये काम है वो 6 महीने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलेगा। अगर आप यहाँ पे काम सही करते तो हो सकता है ये आगे भी अपडेट हो जाए, लेकिन अभी ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए है। मुंबई की जो है इनकी लोकेशन है, बट क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम है तो आप कहीं भी रहते हो आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड यहाँ पर है और एंट्री लेवल का ये काम होने वाला है। अगर मैं ब्रांच ओवरव्यू की बात करूँ, देखिए यहाँ पर सारी ब्रांच ओवरव्यू की डिटेल्स दी गई है। इनके ऑफिस में बात करूँ तो देखिए US के अंदर है, नाइजीरिया, केनिया, इंडिया है, तो बहुत बड़ी ये कंपनी है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। जॉब ओवरव्यू की मैं बात कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो आपका रोल होने वाला है वो क्या होने वाला है। साथ ही साथ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन में लिखा गया है कि 0 to 4 years है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 0 मेंशन है। साथ ही साथ अगर आपको कोई पहले का एक्सपीरियंस है तो वो एड ऑन हो जाएगा। आपको पैशनेट होना पड़ेगा इनके काम के लिए। देखो अब ये काम तो इतना इंटरेस्टिंग है कि हर कोई इस काम को कर सकता है। हाईली एंटरप्रेन्योरल एंड प्रोएक्टिव हो आपको होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, चाहे वो राइटिंग में हो चाहे वो बोलने में हो। स्ट्रॉन्ग अटेंशन होना चाहिए जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। साथ ही साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ों की समझ बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए।
अब क्या लिखा हुआ है, आइडियल कैंडिडेट विल बी एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, वीकेंड्स एंड ओकेशनली हॉलीडे। हो सकता है कभी कभी जो है आपको बोला जाए कि आपको वीकडेज या वीकेंड्स पे भी काम करना पड़े, यानी कि आपका वीक ऑफ उस दिन आपको बोला इमरजेंसी आ गई है काम कर ले, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो ये सारी डिटेल्स है, देखो यार एप्लीकेशन का लिंक तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए अप्लाई विद इंडीड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर आप डायरेक्टली इंडीड से अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस, फिर फ़ोन नंबर, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं रिज्यूम की बात करूँ तो अटैच रिज्यूम, या फिर अगर आपका कहीं पर आपने रिज्यूम बना हुआ है तो उसको पेस्ट करना है। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको बताया था कि जो आपका रिज्यूम यहाँ पर बना हुआ है उसको अपडेट करना है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें इसी से मिलती जुलती स्किल्स आपको लिखनी है कि आपको जो है पेपर्स चेक करने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप ये काम बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, तो इससे मिलती जुलती आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखना होगा या फिर अपनी स्किल्स लिखनी होंगी। अब मान लीजिए आपने लिखा हुआ है कि आपको जो है ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो वो यहाँ पर काम नहीं आएगा, तो आपको अपना रिज्यूम इसी के अकॉर्डिंग बनाना है, वो कीवर्ड्स आपको अपने रिज्यूम में ज़रूर ऐड कर लेने हैं। अब हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों के पास रिज्यूम नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको लिखना है कैनवा। कैनवा लिख के आप एंटर मारेंगे, सबसे पहले वाली वेबसाइट आपको मिलेगी, इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जब इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, देखिए मेरा यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आपका नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे और अपनी ईमेल एड्रेस से यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, बहुत ईजी है, आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका एक ऑप्शन है और यहाँ पर आपको लिखना होगा रिज्यूम, रिज्यूम लिख के आप एंटर कर देंगे, और जैसे ही आप रिज्यूम लिख के एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे रिज्यूम के बने हुए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिन पे प्रो लिखा हुआ है या इस तरह का कैप बना हुआ है उसको आपको ओपन नहीं करना, क्योंकि ये जो है वो पेड हैं, ये देखिए ये सारे पेड हैं जिन पे बने हुए हैं, यहाँ पे आप देखिए, और जो खाली है जैसे कि ये है ये है ये है ये है, ये सारे फ्री वाले हैं, तो हमको फ्री वाला यूज़ करना है, जैसे कि ऊपर देखिए चारों फ्री हैं। अब मान लीजिए पहला वाला ही रिज्यूम यहाँ पर है, मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है कि इसको कस्टमाइज़ करना है, जी बिल्कुल करना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब ये देखिए रिज्यूम हमारे सामने ओपन हो गया है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आपको अपनी पिक्चर चेंज करनी है, आप यहाँ से हटाएंगे, जहाँ से कॉपी करके यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। नाम चेंज करना है, नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नाम लिख देंगे, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको लिखनी है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपने बारे में उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, एक्सपीरियंस कोई है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस हो गया, एजुकेशन आपने कहाँ तक करी हुई है, एक्सपर्टीज़ आपकी क्या क्या है, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, जॉब पोजिशन रेफरेंस आपका यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी। तो जैसे कि ये पूरा बायोडाटा बन गया, अब आपको क्या करना होगा, शेयर पर जाना है, शेयर पर जाने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन है, इस डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से डाउनलोड कर लेना है। अब आपका जो ये रिज्यूम है ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद फिर आपको अपने जॉब पे चले जाना है वापस, और यहाँ पे उसको अटैच रिज्यूम पे जाके चूज़ फाइल पे जाके अटैच कर लेना है। ध्यान रखना है जो आपका रिज्यूम होगा वो पीडीएफ, ये तो ऑलरेडी है, जो लिमिट होगी वो 5 MB होगी, तो अगर आप यहाँ से बनाएंगे कैनवा से तो आपकी जो ये रिज्यूम है ये 5 MB से नीचे ही होगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अटैच करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है, ये कह रहा है कि आपको कोई एक्सपीरियंस है MS Excel और गूगल स्प्रेडशीट्स में, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर नहीं है आपको एक्सपीरियंस तो आप गूगल पे जाएं और देखें कि MS Excel को कैसे सीखा जाता है, 5 से 10 मिनट में आप MS Excel को सीख जाएंगे, बेसिक वो नॉलेज आपको हो जाएगी। उसके साथ साथ ये पूछ रहा है कि इफ़ यू वर टू रेट यूअर बेसिक MS Excel या गूगल स्प्रेडशीट, तो आपको 1 में से 10 में अगर आपको रेट देना हो अपने आप को तो आप कितना देंगे, यानी कि कितना आपको आता है, तो यहाँ पे 8 के आसपास आप दे दीजिएगा। उसके बाद नोटिस पीरियड पूछ रहा है कि आपका कहीं नोटिस पीरियड, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर आपको बोला जाए करने के लिए तो कितने दिन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इमीडिएट पे कर लेना है। उसके बाद विच सिटी आर यू करेंटली इन, आप कौन सी सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो सिटी डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एम नॉट ए रॉबर्ट पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपका जो यहाँ पर आपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस डाला है, इस ईमेल एड्रेस पर आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा इनकी तरफ से, और जो आगे का प्रोसीजर है वो कंपनी की तरफ से आपको बताया जाएगा।
अब देखिए, ये एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है ना कोई सिक्योरिटी अमाउंट है। तो आपको अप्लाई ज़रूर कर लेना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको जो रिवर्ट बैक आएगा आपके मेल पे ही आएगा, लेकिन ध्यान रखना है शॉर्टलिस्टेड आपका रिज्यूम के अकॉर्डिंग होगा। तो रिज्यूम आपको बहुत अच्छा बनाना है तभी यहाँ पर आपका नंबर जल्दी आने के चांसेस हैं। तो अभी से अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर अप्लाई करो। कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है। थैंक यू गाइज। तो गाइज, अभी आपने देखा यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता सकूँ। देखो यार, कंपनी जेन्युइन है और कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, कोई यहाँ पर आपका पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, तो अप्लाई आपको ज़रूर करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे कंपनी आपको खुद से काम देने नहीं आएगी। काम काफ़ी अच्छा है, घर बैठे बैठे आप कर सकते हो, तो अभी से अभी अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। साथ ही साथ अब वीडियो एंड होने वाली है, कमेंट ज़रूर करना है। मिलता है यहाँ फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जबलेटी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।